क्लास फिफ्थ मैथ्स प्रैक्टिस टाइम 6.2। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। 76,000 मल्टीप्लाई बाय 1300। ओके, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा। पहले 76 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 76 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 18, 18 का 1 कैरी ओवर, 7 3 7 21 प्लस 1 22 एंड 1 6 6 एंड 7 988। मींस इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 900। और जीरोस कितने लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 एंड 1,00,000, मीन्स 98,80,000 हमारा आंसर हो जाएगा यदि हमारे पास ऐसे जीरोज़ वाले क्वेश्चन से। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर सबसे पहले हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा 4,819, और इसके पीछे यदि ज़ीरो हैं तो 1,2,3,0 हमारे लग जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग देखिए, यदि हमें मल्टीप्लाई 10 में करना है तो मीन्स 565 मल्टीप्लाई बाय 1, मीन्स सेम आंसर आ जाएगा 565 और 10 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। यदि हम 1000 ऐसे जीरोस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी ज़ीरो रहते हैं वो उसमें पुट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई क्या है, इसमें ज़ीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि हम किसी भी नंबर में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, हमेशा ज़ीरो ही आएगा। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है मल्टीप्लाई हमारा, ये 1, 10 और 100,000 हो गया मीन्स, और ये इसका मल्टीप्लाई 1 में, मीन्स सबसे पहले 10 में 1000 होगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 100 में मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8,765 और ज़ीरो कितने हो जाएंगे, 1,2,3,0 हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। 1,10,100,87,000,65,000। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि किसी भी नंबर में यदि हम ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो ही आएगा। ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैटर्न एंड देन राइट द आंसर। यहाँ पर इसका पैटर्न दिया हुआ है, इसका हमें आंसर फाइंड करना है। 12 में 11 का मल्टीप्ल करा तो 1,1331 आया, फिर 111 का करा तो 1,3431 आया, फिर 4 टाइम्स हमने 1 का मल्टीपल 121 में करा तो 1,3431 आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 444, मीन्स इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम 3 नंबर्स का मल्टीपल कर रहे हैं तो 1 नंबर आ रहा है, 4 का कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, यहाँ पर 1,2,3,4,5, 5 का मल्टीपल 1 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर कितने हो गए, 1,2,3,4,5,6,7,8, 8 टाइम्स क्या है 1 है और 121 है, मीन्स यहाँ पर कितने, देखिए यहाँ पर यदि 3 टाइम्स 1 था तो 1 टाइम आया, 4 टाइम्स 1 था तो 2 टाइम्स 4 आया, 5 टाइम्स 1 था तो कितने टाइम्स 4 आया, 3 टाइम्स 4 आया, यदि 6 टाइम होगा तो 4 टाइम हो गया, 7 टाइम हो जाएगा तो 5 टाइम हो गया, और ये 8 टाइम्स 1 है मीन्स यहाँ पर 6 टाइम्स 1 आ जाएगा हमारा, 1,2,3,4,5,6 एंड 3,1। ओके, देखिए यहाँ पर 3 की टेबल बन रही है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 और यहाँ पर क्या हो गया 3 7, ये कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, फाइंड द 37 मल्टीप्लाई बाय 21। 3 की टेबल में कितने का मल्टीपल करेंगे तो 21 आएगा, 3 7 मीन्स 7 7 7, और ये 3 9 27 मीन्स 9 9 9। ओके, ये हमारे ट्रिक वाले क्वेश्चंस थे।